कैसे किम जोंग उन की मिसाइल पूरी दुनिया पर हमला करने के लिए उतावली रहती है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहां तक हमलावर हो सकता है किम जोंग। अभी तक हमने आपको उसकी मिसाइल क्षमता दुनिया के सामने जब वो रख रहा था उस बारे में बताया था, उनकी रेंज के बारे में बताया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया की रेंज में जिस तरीके से मिसाइलें 15,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर और 4,000 किलोमीटर का दायरा कवर करती हैं, उसमें कौन कौन से देश आ सकते हैं? चीन, भारत, रूस, अलास्का, अमेरिका, कैनेडा, यानी रेंज इतनी ज्यादा है किम जोंग उन की मिसाइलों की कि चीन, भारत, रूस, अलास्का, अमेरिका, कनाडा तक आ जाए। अब यही सवाल मेरा आपसे है राठौड़ सर, जहां अमेरिका को मिल रही इन धमकियों के तहत किम जोंग उन ने ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखी है। और इस एक और छोटी सी बात इस पे मैं कहना चाहूंगी, न्यू ईयर के दौरान भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी उनकी स्पीच के दौरान कि बड़ी उपलब्धि 2023 में किम जोंग उन ने हासिल की है, जहां उसने स्पाई सैटेलाइट तक एस्टैब्लिश कर लिए, लगा लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि इन क्षमताओं के बीच अमेरिका के सामने खुली चुनौती खुद किम जोंग उन ने रखी। किम जोंग उन जो हैं ये अमेरिका के लिए एक प्रोवोकेशन शुरू से रहे हैं। Exactly. और ये यहाँ पर चाइना की प्रॉक्सी है। अगर चाइना ताइवान पे कुछ करता है और अमेरिका रिएक्ट करता है, उस वक्त नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ इंगेज होने के बाद चाइना अमेरिकन एफर्ट को डाइवर्ट करेगा। ये एक प्रॉक्सी हमेशा तैयार रहती है। okay. जैसा कि आपने कहा मिसाइल के बारे में, जो मिसाइल के अंदर इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने प्रोग्रेस की है वो एक्चुअली आश्चर्यजनक है। और आपको मालूम होगा कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने भी नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स का इस्तेमाल यूक्रेन में किया है। इसके बारे में भी आगे सर खबर है मेरे पास, लेकिन इस बीच ये इंफॉर्मेशन और इस पर चर्चा भी आपके साथ करूंगी कि आखिर किस तरीके से ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते आ रहे हैं, कितना बड़ा खतरा ये सामने है। लेकिन उससे पहले किम जोंग ने मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया है और साउथ कोरिया से तनाव के बीच दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि किम ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश भी दे दिए हैं। उत्तर कोरिया का ये जो हमला हुआ है वो उस नॉर्दर्न लिमिट लाइन के पास हुआ है जो असल में दोनों कोरियाई देशों के बीच की समुद्री सीमा है। इसी के बारे में सुमित मेरे सहयोगी अभी एक मैप के जरिए भी आपको बता रहे थे, लेकिन एक और मैप अब आपके सामने रखेंगे जहां नॉर्दर्न लिमिट यानी NLL को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुमित अगर आप मेरे को इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि नॉर्दर्न लिमिट लाइन NLL येलो सी में ये बेस्ड है, ये रही, ये एक मैप लोकेशन है जिसमें नॉर्दर्न लिमिट लाइन के हम मैरीटाइम बाउंड्री क्लेम बाय जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया जा रहा है उस लिहाज से समझा रहे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे ये सवाल किया था कि ये लोकेशन आखिर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया और ये रही वो नॉर्दर्न लिमिट लाइन जिसके तहत यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था 1953 के बाद से लगातार इस लाइन को दोनों देशों ने लगभग मान लिया था, लेकिन युद्ध दोनों देशों का कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप ये देखें जहां पर लगातार 200 मिसाइलें फायर की गई हैं, जहां पर 2100 लोगों की कैपेसिटी है, और दूसरी जगह जहां पर वो किया गया है वो अगर आप देखें तो इस तरफ, यहाँ पर करीबन जो कैपेसिटी है लोगों की, जहाँ पर रिहायशी लोग हैं वो करीबन 6,000 के करीब है। टोटल 8,000 लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक आइलैंड बेस बन सकता है दोनों ही सेनाओं के लिए अगर एक दूसरे पर अटैक करना। और साउथ कोरिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो कई मल्टीपल फ्रंट से यहाँ पर अटैक कर सकता है, और अमेरिका के बेस भी जो है आप मानिए कि शिप जो है वो यहाँ पर आसानी से होल्ड कर सकते हैं और अटैकिंग कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से लगातार नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक पोस्चरिंग की गई है कि ये भी हमारे रडार में आते हैं, हम इन पर भी अग्रीमेंट्स के बीच। ये भी तो एक सबसे बड़ा फैक्ट है ना कि किस तरीके से एक मिलिट्री बैलेंस नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी और साउथ कोरिया की तरफ से भी इस कोरियन पेनिनसुला में बनाया गया है। बिल्कुल, इसमें यूएस का ये जो सपोर्ट मिल रहा है वो ये नॉर्थ कोरिया को खटक रहा है। सारी चीजें बदली 2018 के बाद, हालांकि कई बार दोनों देशों की तरफ से लगातार इस बात की पोस्टिंग की गई, लेकिन 29 दिसंबर में जब दोनों की तरफ से साउथ कोरिया और अमेरिका की तरफ से एक्सरसाइज स्टार्ट की गई, उसी के बाद नॉर्थ कोरिया ज्यादा बौखला गया, क्योंकि अमेरिका ने अपने सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ अपने कई डिस्ट्रॉयर्स, अपने कई शिप्स यहां पर तैनात कर दिए हैं। B-52 बॉम्बर न्यूक्लियर के
कैपेबिलिटी, सी बेस एक्स बैंड रडार, यहां तक कि B2 स्टेल्थ बॉम्बर, मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ अगर यहां पर डिप्लॉयमेंट हो रही है वो एक बहुत बड़ा संकेत दे देते हैं। और समझना ये भी बहुत जरूरी है कि आज के इस हालात में ये जो हमले को अंजाम किम जोंग उन की तरफ से दिया गया है वो क्या बड़े संकेत दे रहा है। और लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से NLL येलो सी पर बेस्ड है और इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि NLL उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच समुद्री सीमा रेखा है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही थी। और 1953 जिसका बार बार सुमित यहां जिक्र कर रहे हैं, 1953 के एक अग्रीमेंट के तहत ही NLL वजूद में भी आया। यहां तक कि 1990 के बाद उत्तर कोरिया ने NLL की अनदेखी जिस तरीके से शुरू की उसके बाद जो हालात अभी बने हुए हैं उसी के तहत आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध के खतरे के बीच बड़ा गठजोड़ हो रहा है और जिसका जिक्र अभी US राठौड़ सर कर रहे थे। अब उसी बड़ी खबर पर मैं आ रही हूं जहां रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बीच गठजोड़ को लेकर बड़ी खबर है और हथियारों की अदला बदली के जो सबूत मिले हैं, परमाणु बॉम्ब की टेक्निक भी ट्रांसफर की गई है। पश्चिम मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और अब आपको हम ये बताएंगे कि रूस, ईरान, उत्तर कोरिया कैसे एशिया में ये एक बड़ा गठजोड़ बना रहे हैं और कैसे हथियारों की अदला बदली हो रही है और कैसे विश्व युद्ध की हालत में अमेरिका और नेटो को टक्कर देने की तैयारी चल रही है।